नमस्ते दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था बिटकॉइन के चार्ट को आपके लिए और आपको समझाया था कि कैसे ये छोटे ट्रेडर और इन्वेस्टर के लिए ट्रैप हो सकता है। अगर आपने हमारा लास्ट BTC चार्ट एनालिसिस का वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर दिए आई बटन पर क्लिक करके पहले उस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए और वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। तो एक और इंडिकेटर अब इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि ये बाउंस बैक मोस्ट प्रोबेबली एक और ट्रैप हो सकता है और अगर ऐसा होता है तो BTC यहाँ से 20 से 25% डाउन जा सकता है और 20,000 USDT का जो टारगेट मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था उसके आने के चांसेस और ज़्यादा दिख रहे हैं यहाँ पे हमें। तो चलिए चार्ट पे देखते हैं दोस्तों कौन सा इंडिकेटर हमें अलर्ट कर रहा है BTC के प्राइस मूवमेंट को लेकर। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि आप चार्ट पे देख सकते हैं BTC के चार्ट पर सिमेट्रिक ट्रायंगल चार्ट पैटर्न बन रहा है। इसके अलावा BTC का जो भी इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रेंज है वो 40 से 42,000 डॉलर के बीच की है और 30,000 डॉलर पर BTC बार बार टच कर रहा है और टच करके बाउंस बैक कर रहा है जो कि इसका एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट रेंज है। अगर ये इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो दोस्तों इसका नेक्स्ट टारगेट 20,000 डॉलर का होगा। अब मैं आपको शो करता हूँ 200-डे मूविंग एवरेज और 50-डे मूविंग एवरेज। तो ये देखिए दोस्तों 200-डे मूविंग एवरेज और 50-डे मूविंग एवरेज हमारे इस एनालिसिस को कैसे सही साबित कर रहे हैं। 50-डे मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज को अपसाइड से क्रॉस करता है तो दोस्तों तब इसे डेथ क्रॉसओवर कहा जाता है। जैसे कि आप नाम से ही समझ सकते हैं इसका डेथ क्रॉसओवर शो करता है कि मार्केट में ट्रेंड चेंज होने वाला है। मैं आपको दिखाता हूँ कि लास्ट टाइम BTC में जब डेथ क्रॉसओवर बना था तो मार्केट ने कैसा रिस्पॉन्स किया था। ये देखिए दोस्तों ये देखिए दोस्तों ये देख सकते हैं दोस्तों लास्ट टाइम बुल रन के टाइम भी जब डेथ क्रॉसओवर बना था तो दोस्तों BTC 20,000 डॉलर से 3,000 डॉलर रह गया था, यानी कि 85% के आसपास की गिरावट हुई थी। बट इसके साथ साथ आपको ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मूविंग एवरेज एक लैगिंग इंडिकेटर है। लैगिंग इंडिकेटर वो होते हैं दोस्तों जब मार्केट में चेंज हो जाता है तब वो इंडिकेटर शो करता है कि मार्केट में चेंज हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं चार्ट पर भी जब डेथ क्रॉसओवर बना था तो दोस्तों इसका प्राइस चेक करिए, इसका प्राइस अपने 20,000 डॉलर के हाई से 7,000 डॉलर रह चुका था। बट एक बार इसके कंप्लीट होने के बाद BTC को 2 साल का टाइम लग गया था रिकवर होने में। और अब हम करंट सिचुएशन को देखते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों करंट सिचुएशन को देखिए दोस्तों मार्केट अपने हाई 65,000 डॉलर से 30,000 डॉलर यानी कि 55% के आसपास गिर चुका है और अभी डेथ क्रॉसओवर चार्ट पर बना भी नहीं है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो डेथ क्रॉसओवर कितना इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है और अगर ये होता है तो मार्केट और ज्यादा नीचे गिर सकता है और BTC के डाउन ट्रेंड को चेंज होने में काफी टाइम लगेगा। इसके अलावा इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि मार्केट को कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है और मार्केट को कोई भी टाइम नहीं कर सकता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।